हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोंटी जनसेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ICF सवारी डिब्बा कारखाने के अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आप देख सकते हैं सवारी डिब्बा कारखाना, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इसमें 110 पोस्ट आपकी सॉरी 1010 पोस्ट आपकी निकाली गई है और ये आपका 10वीं क्लास प्लस ITI से है। 10वीं वाले भी भर सकते हो और ITI वाले भी भर सकते हो, दोनों के लिए फॉर्म निकाले गए हैं। कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करना। यह भी आपको समझ में आ पाएगा कि आप घर बैठे कैसे फॉर्म भर सकते हैं। अभी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जिससे आने वाले वीडियो मिल सके, और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए जिससे आने वाले वीडियो और भी अच्छे बना सको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सरकारGL.com पर आ जाना है। आने के बाद नीचे आना है, लास्ट जॉब वाला ऑप्शन मिलेगा, इसी के नीचे मिलेगा रेलवे ICF अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024। आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें आपकी जनरल OBC डेलेस कैंडिडेट की 100 फीस, ST की 0 बैलेंस है, फीमेल के लिए 0 बैलेंस यहाँ पर फीस रखी गई है। और 22 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके, 21 जून की शाम के 5:30 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी नहीं रखी गई है, मेरिट और एग्ज़ाम आपका होएगा इसमें। 15 साल से लेकर 24 साल मांगी गई है। 21/6/2024 के हिसाब से डेट ऑफ काउंटिंग की जाएगी। 1010 पोस्ट है, 330 वैकेंसी आपकी फ्रेशर वालों की है, जिसमें आपका हाई स्कूल होना चाहिए, 50% मार्क्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ITI इसमें 50% हाई स्कूल में, और मैथ सब्जेक्ट 10+2 इससे भी आप भर सकते हैं। इसमें 600 जो पोस्ट है XITI में, इसमें 10वीं विद 50% ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फ्रेशर में आप कारपेंटर में 40 है यहाँ पे ITI की 50, इलेक्ट्रिशन में फ्रेशर की 40, ITI की 160, फिटर की फ्रेशर 80, इसमें ITI की 180, मैकेनिक्स में फ्रेशर की 40, ITI की 50, पेंटर्स की 40 और इसके ITI की 50, वेल्डर की 80, ITI की 180, पैसे की इसकी यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रेशर है दोनों। अब अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको इस वाले पोर्टल पर आना है, इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिले हैं, ITI वाला एंड फ्रेशर वाला। तो मैं फ्रेशर पे क्लिक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको नाम डालना पड़ेगा, जो भी नाम आपका 10वीं की मार्कशीट में वो नाम आप फिल करेंगे। उसके बाद आपके पिताजी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अपने पिताजी का नाम फिल कर देंगे, जो भी आपके पिताजी का नाम। उसके बाद आपको माताजी का नाम फिर पूछा जा रहा है, तो अपनी माताजी का नाम आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको नेशनलिटी इंडियन ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा। अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, जो कि 200 के विषय कम होना चाहिए आपका। फिर अगर आप रेलवे में आपके फादर वगैरह एम्प्लॉयड है तो यस करिए, नहीं तो नो। यहाँ पे भी आपको नो ही करना है ये। उसके बाद आपकी जाति जनरल SC OBC जो भी है सेलेक्ट करिए। अगर आप जनरल OBC वाले हैं तो फीस आपको देनी पड़ेगी 100 रुपये, अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर OBC से फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि आप इस मतलब कि कैसे फीस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ भी आपको डाल देनी है अपनी। तो एक फॉर्म में जो है वो OBC के लिए बना रहा हूँ, OBC जनरल वालों को, एक वीडियो में बना चुका हूँ इसके ऊपर SC ST वालों के लिए, तो वो जाके देख सकते हैं आप। आधार कार्ड नंबर आपको डालना है, उसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट करिए, पैन कार्ड नंबर है तो दे दीजिए, उसके बाद मार्क, चेहरे पर कोई कट मार्क है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क भी डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस अपना फिल कर देना है, पहले आपको पिन कोड अपना डालना पड़ेगा, जो भी पिन कोड है वो आप फिल करिए, उसके बाद एड्रेस आप फिल कर देंगे, जो भी एड्रेस आपको डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID, और एक बार चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों, चेक करने के बाद। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज आएगा, अगर आप PWD है तो इसे आप देख सकते हैं, इनमें से जो भी आपका प्रकार है विकलांग का वो आप इनमें से चुन सकते हैं। अगर आपका विकलांग का प्रकार नहीं है तो आप नोट एप्लीकेशन इसमें सेलेक्ट करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों,
इसमें आपको क्या करना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप जैसे इसे विकलांग का प्रकार चुनेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज डालना है जो भी आपका विकलांग का है, नहीं तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए जो नहीं है विकलांग वगैरह। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आएगा आपका क्वालिफिकेशन का ऑप्शन, तो क्वालिफिकेशन आपको जो है अपना फिल कर देने हैं। वो क्वालिफिकेशन कैसे फिल करना है वो आप थोड़ा समझिए। अब दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन मैं डाल चुका हूँ, अब मैं क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ कैसे कैसे डालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पास यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो है देख सकते हैं एसएससी ये वाला नहीं आएगा, सीबीएसई बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट किए। अगर आप मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स पर आप क्लिक करेंगे, अदर है तो अदर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर होएगा वो डालना है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, कितने मार्क्स आपको आया और कितने में से आपको मिले हैं। फिर आपका यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, ऐसे आपको इंटर की डिटेल डालनी है, इंटर सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर आपको इंटर का डालना है, डेट ऑफ पासिंग डालनी है, टोटल नंबर आपके कितने आए और कितने में से आपको प्राप्त हुआ है, 500 में से प्राप्त होते हैं यूपी बोर्ड में, आपको सभी को पता है। फिर आपका आएगा परसेंटेज, यहाँ पर आपकी दोनों की परसेंटेज आ चुकी है, अब आपको नीचे आना है। अगर आप इसी ऑप्शन को यस करते हैं तो ये जितने भी ऑप्शन आपके खुले हुए हैं ऑप्शन, इसे आप प्रीफ्रेंस नहीं दे सकते। अगर इसे नो करोगे तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फ्री पेंस रखनी है वो आप अपना रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ओटीपी के लिए बोला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हियर टू ओटीपी, आप इस पर क्लिक करोगे। पहले मुझे फ़ोटो अपलोड करना है तो फ़ोटो मैं एक बार अपलोड कर लेता हूँ अपना। तो दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक के टू फोर ओटीपी, जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका क्या है, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। और इसके बाद आपको प्रीव्यू के लिए बोला जाएगा, आपको अपना प्रिंट एक बार मतलब कि प्रीव्यू कर लेंगे, चेक कर लेंगे, अगर आपको लगेगा सब कुछ ठीक है तो आपको आगे बढ़ जाना है प्रीव्यू करने के बाद। उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट जैसे ही आपका फॉर्म हो जाता है तो यहाँ पे दो देख सकते हैं, दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ऑप्शन तो दोस्तों आपको एक यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं देखने के लिए। पहला था फिल का है, ये मैंने फिल कर चुका है फॉर्म, अब फॉर्म फिल कर चुका है। उसके बाद तो ये सेकंड ऑप्शन है आपका पेमेंट का, प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे आपको जनरल ओबीसी कास्ट के लिए, मेल वालों मेल कैंडिडेट के लिए ओनली फीस रखी गई है 100 रुपये। अगर आप एससी एसटी वाले हैं तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर ओबीसी वाले आप फॉर्म भर रहे हैं, जनरल ओबीसी वाले, जैसे आप फॉर्म फिल कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे अपना फॉर्म, फिर आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट। तो आप जो है फ़ोन पे, गूगल पे और अपना एयरटेल थैंक्स ऐप या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इन चीज़ सबसे जो है अपना पेमेंट वगैरह करके अपना जो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन देख रहा है क्लिक, ये वाला क्लिक हियर टू प्रिंट, ये वाला स्लिप का आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अभी आपको थोड़ा वेट करना है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे फिर के मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है देख सकते हैं फिर के लॉगिन हो चुका हूँ मैं। तो मैं इसमें थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम है, दोबारा से ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आप वहाँ पे क्लिक करके मतलब कि ये वाला नंबर डाल के और ये वाला डाल के यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं, फाइनल प्रिंट आउट। तो अभी किसी टेक्निकल के प्रॉब्लम के कारण मैं जो है अपना फाइनल प्रिंट नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो दोस्तों इस तरह से आप सवारी डिब्बा रेल सवारी डिब्बा कारखाना का अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं बिना कोई गलती करे। प्रोसेस मैंने बता दिया है कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर ये अपडेट आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे आने वाले वीडियो मिल सके। सबसे पहले धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और ऐसी प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, सभी का शुक्रिया।